तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना। अच्छी तरीके से आप लोगों लेके चलना है इन क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 350 प्राइमरी एंड 1050 सेकेंडरी टर्न्स, यानी जो आपका पी यानी एनपी का जो वैल्यू है वो 350 दिया हुआ है, एनएस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1050 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्राइमरी वाइंडिंग कैन बी कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, यानी अगर आपका प्राइमरी जो कनेक्टेड है यानी ई ऑफ पी अगर है, अगर उसका वैल्यू 400 वोल्ट होगा और जो फ्रिक्वेंसी होगा वो अगर 50 हर्ट्ज है फॉर द सिंगल सप्लाई, तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से सारे वैल्यूज दिए गए हैं, जो वैल्यूज उनको लिख लेना है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 55 × 10⁻⁴ और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सारे वैल्यूज दिए गए हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जो प्राइमरी वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यूज को निकालना है जो कि बीएम है, बीएम के वैल्यू को निकालना है। तो सारे वैल्यूज इधर उधर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 400 अपॉन 4.44 × 50 × 55 × 10⁻⁴ × 350, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.936 वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन के लिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर दो की बात करें तो ये सारे फॉर्मूला पे ही आधारित है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमें इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालना है, तो ES इक्वल टू क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे निकालना है। तो यहाँ पे प्राइमरी पे तो निकल चुका, लेकिन अब सेकेंडरी पे निकालना है, तो ईपी इंटू एनएस अपॉन एनपी। तो यहाँ से वैल्यू आपको दिए गए हैं, सारे वैल्यूज को पुट करके 1200 वोल्ट आपका क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व किया। एक दो नंबर के क्वेश्चन को और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे आधारित, क्योंकि अगर वो चीजें कंप्लीट रहेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।